हेलो हाय आय हाय रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूं आरजे सूरी आपके साथ हर सुबह 7 से 11 आपसे मुलाकात होती है। वैसे हेलो हाय आय हाय पुलिस वाले अंकल की तो आपसे नहीं हुई इन दिनों में, मतलब रोड सेफ्टी वीक चल रहा है यार शहर में और ये तो हर साल होता है, लेकिन इन दिनों में मैंने एक चीज़ नोट की है या एक चीज़ मुझे जो फील होती है कि यार हम इंडियंस की एक आदत है नियम फॉलो नहीं करने की। जहाँ थूकना मना लिखा होता है वहीं पर आप अक्सर नोट करते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा थूका मिलता है, जहाँ पर कचरा नहीं फेंकना होता वहाँ सबसे ज़्यादा फेंकते हैं। आपको पता है कि आपके घर वाले आपका वेट कर रहे हैं, हर रोज़ वेट करते हैं जब भी आप बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी हेलमेट हम नहीं लगाते हैं, सुरक्षा आपकी है, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो बीमारी है ना रूल्स फॉलो नहीं करने की। सो इस बीमारी के बारे में मेरी बात हुई हमारे शहर के एडिशनल एसपी ब्रिजेश सोनी सर से, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। देखिए सूरी, जो आपका कहना है कि हम लोग यातायात नियमों का पालन करने में बहुत ही कोताही बरतते हैं, स्पेशली राजस्थान में हमारे उदयपुर मेवाड़ के लोग, चाहे वो हेलमेट लगाने का इश्यू हो, सीट बेल्ट बांधने का इश्यू हो, या दो से अधिक सवारी टू व्हीलर पर चलाने का इश्यू हो, हर जगह, या सबसे महत्वपूर्ण हमारे कुछ ही 4-5 सर्किल्स है जहाँ पर रेड लाइट्स लगी हुई है वहाँ भी हम पालना करने में हम कोताही बरतते हैं। जब भी मौका देखा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आ रही है, हम तुरंत उसको सिग्नल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लाल बत्ती हो रही हो इसके, और दूसरों की जान को संकट में डालने की कोशिश करते हैं। ये हम एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जहाँ हम यहीं के लोग दिल्ली या मुंबई या किसी बड़े शहर में या इवन विदेश में जाएंगे तो 100% ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करेंगे, बिल्कुल थूकेंगे भी नहीं, कचरा भी, चॉकलेट का रेपर भी है तो उठ के डस्टबिन में डाल के आएंगे, एयरपोर्ट पर भी जाएंगे तो उतने ही डिसिप्लिन से रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे देश में, हमारे शहर में आते ही पता नहीं इनको क्या हो जाता है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, ये हमें मन से अंदर से स्वीकार करना पड़ेगा कि हम यहाँ गलती करते हैं और इसको हमें सुधारना पड़ेगा। देखिए जान है तो जहान है, मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं टू व्हीलर में एक्सीडेंट से, हेड इंजरी से होते हैं। टू व्हीलर में आपने छोटी सी इंजरी, बाइक स्लिप हो गई, जानवर आ गया, या कोई बच्चा दौड़ के सामने आ गया, या कोई किसी सामने वाले की गलती है, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, तो जब आप गिरेंगे तो छोटी से छोटी इंजरी आपकी जीवन के लिए भारी पड़ जाएगी। उदयपुर पुलिस आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करती है कि यातायात सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन यातायात सप्ताह को आप जो ट्रैफिक रूल्स है उसको अपने जीवन का हिस्सा माने, हेलमेट लगाएं और जो भी रूल्स है स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, आपकी गाड़ी को आप अच्छे मेंटेनेंस करके रखें, ब्रेक चेक करवाएं, आप सिग्नल देख के क्रॉस करें, आप 3 से 2 से ज़्यादा सवारी बैठ के नहीं जाएं, बच्चों को छोटी उम्र में टू व्हीलर चलाने के लिए नहीं दें। ये बाइक्स आपकी मदद के लिए है, स्टंट करने के लिए नहीं है। आपने छोटे छोटे बच्चों को महंगी महंगी बाइक्स दे रखी है और वो जहां भी मौका मिलता है, जहां पुलिस नज़र नहीं आती है, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हर जगह वॉच रखें, लेकिन आपको खुद को पता है कि पुलिस कहां कहां पहुंच पाती है, नहीं हर जगह अवेलेबल रहना संभव नहीं होता, तो जहां भी मौका मिलता है ये शहर के बीच में भी स्टंट करने की कोशिश करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो ऐसे माँ बाप से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें, उन पर नज़र रखें, उनको बताएं कि ये वाहन जो है उनकी सुविधा के लिए है, स्टंट करने के लिए नहीं है। आशा है मैं, मेरी इन सब रिक्वेस्ट से उदयपुर, जो उदयपुर वासी है, मेरे शहर के वासी हैं, उस चीज़ों को थोड़ा जीवन में इसका पार्ट बनाएंगे, यातायात नियमों को भी अपने जीवन का एक पार्ट बना के उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारी मुहिम सफल हो पाएगी। धन्यवाद।